आज सुबह से हमने ज्ञान की बहुत गहरी गहरी बातें सिर्फ सुनी नहीं हैं, समझी हैं। हमने योग के अनुभव किए हैं और हमने अनुभव भी आज सुना है मोहित भैया का। आप सब में से कौन कौन, चित्र तो देखा आपने, स्कैन देखा, फोटो देखा, और आपने देखा कि भैया ने क्या कहा कि मैंने एक साल योग किया, संकल्प किया, दवाई तो निश्चित ली ही होगी साथ साथ, लेकिन एक साल के बाद वो जो ब्रेन में ट्यूमर था वो गायब हो गया। आपने फोटो तो देखी, लेकिन आप में से कौन कौन मानता है कि सचमुच ये हो सकता है, वो हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड। अगर हमारे शरीर से एक ट्यूमर गायब हो सकता है संकल्प की शक्ति से, परमात्मा के कनेक्शन और योग अभ्यास से, तो आत्मा के संस्कार परिवर्तन करना तो कितना ही सहज होगा। और फिर भैया ने एक और बात सुनाई कि जिनके रिश्ते बिखर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा एक दूसरे को सही संकल्पों से समझना शुरू किया तो रिश्ते जुड़ गए, परिवार जुड़ गए। तो योग वो शक्ति है जो आत्मा के संस्कार बदलता है, योग वो शक्ति है जो शरीर को निरोगी बनाता है, योग वो शक्ति है जो रिश्तों को मधुर बनाता है, और योग वो शक्ति है जो प्रकृति को सत्वप्रधान बनाकर सृष्टि को बदल देता है। लेकिन कई बार हम ये कहते हैं कि ये कितनी देर योग करना होता है कि हमारे पास, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले पीछे थे तो कुछ भाइयों ने कहा टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हम कैसे ये मेडिटेशन करेंगे। तो आज हम सब मिलकर कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, क्योंकि योग एक दिन का प्रोग्राम नहीं, योग सुबह के आधे घंटे का प्रोग्राम नहीं, योग एक जीवन जीने का तरीका है जिसको योगी जीवन कहा जाता है। परमात्मा कहते हैं दो प्रकार के जीवन होते हैं, भोगी जीवन, योगी जीवन। इन दो शब्दों को यहाँ लेना और खुद को चेक करना, भोगी जीवन और योगी जीवन। भोगी जीवन मतलब वाइब्रेशन नीचे है, आत्मा की शक्ति कम है, आत्मा परेशान, कभी उदास, कभी नाराज, कभी हताश, इन भावनाओं के साथ जीवन जीती रहती है। फिर कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द, फिर कभी यहाँ झगड़ा तो कभी वहाँ नाराज़गी, क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है। और दूसरा है योगी जीवन, मतलब हाई वाइब्रेशन के जीवन, जहाँ पवित्रता है, शांति है, स्थिरता है, शक्ति है, क्षमा है, सद्भावना है, सहयोग है, स्नेह है, वो है हाई वाइब्रेशन जीवन। तो अब हम एक बार हाथ उठाते हैं, हम भोगी जीवन पर रहना चाहते हैं या योगी जीवन पर रहना चाहते हैं? हम योगी जीवन, हाथ करो, कहाँ रहना है? योगी जीवन पर रहना है। यस, हमें भोगी जीवन पर नहीं रहना है। भोगी मतलब सफरिंग। भोगी जीवन में हाय हाय कहते रहते हैं सारे दिन, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया। और योगी जीवन वाले क्या कहते हैं? भोगी जीवन में हम हाय हाय करते रहते हैं, योगी जीवन में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वाह वाह, हर सीन वाह वाह होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो योगी जीवन करती है, संकल्पों को बदलती है, भाषा को बदल देती है, शब्दों को बदल देती है, संस्कारों को बदल देती है। तो कुछ प्रतिज्ञाएं हम आज करते हैं जिससे हम अपने जीवन को योगी जीवन बनाएंगे। आप रेडी हैं? आप रेडी हैं, है ना? क्योंकि हमने सुना, समझा, अब करना है। सबसे पहली चीज़, हमारा सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसको कहा ही ब्रह्म मुहूर्त जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 24 घंटे का मुहूर्त का समय है। दुनिया में भी कोई शुभ कार्य होता है तो मुहूर्त का समय निकाला जाता है, और अगर कोई समय पर नहीं पहुंचता है तो पंडित जी कहते जल्दी करो जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। सामने वाला कहता है पंडित जी हमारे घर के सदस्य अभी पहुंचे नहीं,
तो पंडित जी कहते हैं वो पहुंचे ना पहुंचे काम तो अब करना पड़ेगा, नहीं तो मुहूर्त निकला जाएगा। मुहूर्त का कितना महत्व होता है, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन का समय होता है। इसी तरह हर रोज़ के 24 घंटे का मुहूर्त समय सुबह के 4 से 5 बजे। अगर हम मुहूर्त के समय सोए होंगे तो हमारा भाग्य कैसा हो जाएगा। और आजकल तो कुछ लोग मुहूर्त के समय सोए हुए नहीं होते, मुहूर्त के समय सोने जाते हैं, उनका सोने का समय उस समय शुरू होता है। ये है भोगी जीवन के लक्षण, ये है भोगी जीवन के लक्षण कि एक ही घर में 4 बजे एक कहता है गुड मॉर्निंग, दूसरा कहता है गुड नाइट। तो एक योगी जीवन जी रहा है, एक भोगी जीवन जी रहा है। तो हम सब तो योगी जीवन वाले हैं। तो आज से हम एक साल के लिए, क्योंकि अगले 21 जून हम फिर मिलेंगे इसी तरह सभी, हम एक साल के लिए ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हर रोज़ बिना नाका, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मुहूर्त समय को मिस नहीं करेंगे। हम 4 से 5 बजे के बीच जागृत स्थिरता की अवस्था में परमात्मा से कनेक्ट होकर सृष्टि को, भारत देश को सात्विक शुद्ध शक्तिशाली वाइब्रेशन देकर सिर्फ खुद को भरपूर नहीं करेंगे लेकिन विश्व की सेवा करेंगे। हर रोज़ अगले 365 दिन सुबह 4 बजे कौन उठने के लिए तैयार है? देखो बहाना कुछ नहीं करना है बाद में, उसके बाद आज लेट हुआ, आज थक गए, कुछ भी नहीं, क्योंकि योगी जीवन वाले बहाना नहीं करते हैं। आज सुबह एक मुरली पढ़ी तो उसमें परमात्मा ने कहा समय की कमी नहीं होती है, महत्व पता होना चाहिए उस बात का। महत्व मतलब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मतलब रचना, क्रिएशन, नए संस्कारों की रचना। उस समय परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरेंगे, साथ साथ परमात्मा से बातें भी करेंगे। कलयुग के इस अंतिम समय पर जीवन में अचानक अचानक ऐसी बातें आ रही हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या करना है, लेकिन हम यहाँ वहाँ से जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं। लेकिन इस समय हर समस्या का, हर बात का, हर प्रश्न का जवाब उससे लेना है, उसको पूछो और वो जवाब देगा। इधर उधर सबसे पूछते हैं, सब जवाब देते हैं, लेकिन वो अपनी क्षमता से, अपने संस्कारों से जवाब देते हैं, लेकिन मुझ आत्मा के लिए क्या सही है वो तो मेरे माता पिता ही जानते हैं। तो सुबह उठकर अगर अपने घर में, परिवार में, बच्चों में कोई बात चल रही है वो उसको बताओ, वो उसको बताओ, और फिर उसको सरेंडर कर दो कि आप मुझे बताओगे क्या करना है। उसने हमें उत्तर देना ही देना है। किस किस को अनुभव है कि परमात्मा हमें जवाब देते हैं? देखा, अनुभव है। तो जिस बात का अनुभव हो उसको और ज़्यादा बढ़ाते जाना चाहिए, ताकि कभी भी किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब वो साथ है तो हमें किसी और से क्यों पूछना पड़ेगा। तो अमृत वेले का समय, आज हमने मोहित भैया के अनुभव में एक बात सुनी थी, आप लोगों ने ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, दादी गुलजार ने कहा, एक बॉटल पानी रखो योग के समय, एक बॉटल पानी रखो और उस पानी की बॉटल में अपना संकल्प डालो सुबह सुबह अमृत वेले के समय कि मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, मेरा ब्रेन परफेक्ट है। और उन्होंने एक साल वो किया। क्या हम कर सकते हैं ये? क्या हम सब करने के लिए रेडी हैं ये? हाँ, बहुत पावरफुल टाइम है। मुझे याद आता है दादी गुलजार जी जब जब ORC आते थे, क्लास कराते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि जब जब पानी पियो तो ज़रूर बाबा को याद करो, जब जब पानी पियो। हम सब भोजन करने के समय तो हमेशा रुक के परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन दादी गुलजार हमेशा कहते थे जब जब पानी पियो तो रुक कर परमात्मा को ज़रूर याद करो, अर्थात अपने संकल्पों को, उस पानी को एनर्जाइज और चार्ज करो। तो हम सब भी ये कर सकते हैं कि अमृत वेले
एक 2 लीटर की बोतल का पानी का बोतल ले लो, उसको अच्छे से अपने संकल्पों से एनर्जाइज करो और उसी से सारा दिन पानी पियो। यहाँ तक कि आप अपने परिवार वालों के लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी कर सकते हैं कि वो पानी जिसके अंदर 1 घंटा योग की वाइब्रेशन एनर्जाइज हुई हो। इतनी जो परेशानियां आजकल दिखाई दे रही हैं, ये वाला आज का अनुभव याद रखना, अगर ब्रेन का ट्यूमर जा सकता है तो फिर ये छोटी छोटी बातें क्या हैं, ये तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, ये तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन विधि सही होनी चाहिए, क्योंकि विधि होगी तो सिद्धि निश्चित है। तो हम अमृत वेले ज़रूर उठेंगे, हम पानी की बोतल को चार्ज करेंगे परमात्मा की शक्तियों से, और हम उसमें अपने स्पेसिफिक संकल्प भी डालेंगे जो हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जिससे संस्कार परिवर्तन होगा, सत्योगी सृष्टि आएगी, वो है सुबह सुबह सेंटर पर जाकर परमात्मा के महावाक्य स्टडी करना, जिसको हम प्यार से मुरली कहते हैं। हम में से कोविड के बाद कुछ भाई बहनों के अंदर थोड़ा सा ये संस्कार आ गया है कि चलते फिरते घर में भी सुन सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, कंप्यूटर पे सुन सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ये है धोखा, अपने आप को धोखा देना। तो आज ये पक्का करते हैं कि हम 1 साल के लिए हर रोज़ मुरली तो स्टडी करेंगे, लेकिन घर पे नहीं, कार में नहीं, सेंटर पर जाकर हम संगठित रूप में सामने बैठकर परमात्मा के महावाक्य एक स्टूडेंट की तरह एक्यूरेटली स्टडी करेंगे। कौन कौन रेडी है? 1 साल सेंटर पे जाएंगे, घर पे नहीं सुनेंगे। उसका एक रीज़न है, बाबा ने इतने सारे सेंटर क्यों खोले हैं अगर ऑनलाइन ही सब कुछ हो सकता था। मुरली सिर्फ सुननी नहीं होती है, मुरली आत्मा के अंदर बैठ जाए उसके लिए एक वाइब्रेशन चाहिए। हमारे घर के वाइब्रेशन वैसे नहीं होते हैं जो सेंटर के होते हैं। संगठन की शक्ति, कोविड के 2 साल सब बच्चों ने घर पर पढ़ाई की, स्कूल के बच्चों ने, तो क्या उसके बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया? वो तो इंतज़ार कर रहे थे कब स्कूल खुलें और हम स्कूल जाएं, क्योंकि संगठन की शक्ति, संगठन के वाइब्रेशन परिवर्तन सहज लाती है। तो अमृत वेला रोज़ पानी रोज़ चार्ज करेंगे अमृत वेला, और मुरली क्लास हम सेंटर पर ज़रूर जाएंगे। सात्विक भोजन तो हम सब खाते हैं, थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय एक भी संकल्प गलती से भी इधर उधर का भोजन में नहीं पड़ जाना चाहिए। जैसे जैसे ये कलयुग अपने अंतिम समय की तरफ जा रहा है, वातावरण में दर्द और दुख बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने अगर अनुभव किया हो, कोविड के बाद सृष्टि पर डर बढ़ चुका है, लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि 2 साल करोड़ों लोगों ने डर क्रिएट किया, तो हवा के अंदर डर और दर्द है। हमें भोजन बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जिसने बनाया अगर वो परेशान था, किसी बात से डरा हुआ था, तो खाना खाने के आधे 1 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी न किसी बात की चिंता और डर होना शुरू हो जाएगा। भोजन का असर हमारे मन पर आधे 1 घंटे के अंदर स्पष्ट दिखाई देना शुरू कर देता है। इसीलिए योगी जीवन के लिए अन्न अन्न जो है सिर्फ सात्विक नहीं, लेकिन योगी तरह से बना हुआ और योगी तरह से ग्रहण किया हुआ अन्न चाहिए। तो 1 साल के लिए अगली प्रतिज्ञा, घर पर बना हुआ परमात्मा की याद में बना हुआ ब्रह्मा भोजन, बिना कोई फोन और टीवी ऑन रखे हुए पहले परमात्मा को याद करके अपने संकल्पों से उस भोजन को एनर्जाइज करके फिर हम मौन में भोजन करेंगे, या अगर परिवार के साथ बैठे हैं तो बहुत प्यारी प्यारी मीठी बातें करते हुए, कोई भी व्यर्थ बात भोजन में नहीं जाएगी। 1 साल के लिए प्रतिज्ञा हम करेंगे। कौन रेडी करने के लिए? वेरी गुड, आप सब नेशनल टेलीविजन पे जा रहे हैं, आपके हाथ। हाँ, सारा दिन जीवन कर्म योगी बनकर जिएंगे। कर्म योगी मतलब कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, हम कर्म संन्यास नहीं करते, हम कर्म योगी बच्चे हैं, कर्म करेंगे लेकिन योगी की तरह कर्म करेंगे।
तनाव से नहीं, शांति से, गुस्से से नहीं, सम्मान से, ईर्ष्या से नहीं, सहयोग से, चिंता से नहीं, ध्यान से। यह है योगी जीवन, कर्म योगी जीवन करेंगे। एक साल के लिए आज हमने सुबह सुना ना नारायणी गणेश बहन से कि गुस्से को ख़त्म करना है, तो एक साल के लिए गुस्से को ख़त्म करें। अगले साल अपना चार्ट चेक करेंगे इकट्ठे मिलकर जब यहाँ आएंगे कि एक साल के लिए अटेंशन, वही बात बोलेंगे लेकिन ज़रा प्यार से, धीमे से, सम्मान से बोलेंगे। अपनी भी शक्ति बढ़ाएंगे, सामने वाले की भी शक्ति बढ़ाएंगे और वातावरण को भी दूषित होने से बचाएंगे। हम एक साल के लिए क्रोध को इसी हॉल में छोड़ के जाते हैं, अगले साल उसको देखेंगे उसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं। रेडी हैं छोड़ने के लिए एक साल के लिए गुस्सा? वो अब क्यों नहीं हाथ उठ रहा? ना, अब उठ रहा। और लास्ट चीज़, योगी जीवन मतलब योग निद्रा, नींद योगी की तरह होनी चाहिए। जब आप सुबह उठें, जैसे ही सुबह उठें पहले पीछे मुड़कर देखें कि आपके बिस्तरे का क्या हालचाल है, उससे पता चल जाएगा आपकी रात की नींद कैसी थी। अगर आपकी चादर बहुत ज़्यादा क्रम्पल्ड अप है, तकिया इधर से उधर हुआ हुआ है, इसका मतलब रात को मन में बहुत उथल पुथल चली थी। और जब योगी नींद होती है तो जब सुबह उठते हैं तो बिस्तर बिल्कुल वैसे होता है जैसे रात को सोने से पहले था, मतलब योगी सोया है उस बिस्तर के ऊपर। वो मन की स्थिति दर्शाता है, हमारी मन की स्थिति दर्शाता है। इसलिए रात को सोने से पहले, एक घंटा पहले टीवी फोन सब बंद कर दें। रात को सोने से पहले योग करे बिना हम बिल्कुल ना सोएं, क्योंकि सारा दिन की बहुत सारी बातें हमारे मन पर होती हैं। पूरा दिन हम कलयुग की हवा में घूमे हैं, काम किया है, बहुत सारी वाइब्रेशंस हम अपने अंदर भर कर लेकर आते हैं। जैसे हम शरीर को स्नान करके स्वच्छ करते हैं सोने से पहले, आत्मा को भी स्वच्छ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोने से पहले कम से कम 5-10 मिनट परमात्मा की याद में बैठकर उन सर्व शक्तियों को अपने अंदर भर के, सारा दिन आज सबके साथ जिनके साथ काम किया, सेवा किया, उनको वो वाइब्रेशन देकर फिर मन को बिल्कुल स्थिर करके जब हम सोने जाएंगे तो गहरी नींद, कोई स्वप्न नहीं, और अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त उठना सहज, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। तो योगी जीवन अर्थात निद्रा, योग निद्रा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म भोजन खाना और कर्म योगी बनकर जीना। और लास्ट चीज छोटी सी, हर घंटे के बाद एक मिनट, जो ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बाबा ने हमें सिखाया है, उसको चाहे कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना। हर एक घंटे के बाद जब हम एक मिनट के लिए परमात्मा को कनेक्ट करते हैं तो हम वातावरण के प्रभाव से अपने आप को बचाकर वातावरण को सेवा करते हैं परमात्मा की शक्तियाँ देकर। ये सहज विधि है, नहीं तो सुबह योग किया लेकिन सारा दिन भोगी वातावरण में रहे तो उसका असर हम पर पड़ जाता है। तो हर घंटे के बाद एक मिनट के लिए, हर एक के फ़ोन पे ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप है, वो बचता भी है लेकिन हम कभी कभी रुकते नहीं हैं, तो हर घंटे के बाद एक मिनट के लिए रुककर एकाग्रता से वही संकल्प करके, वो जो एक स्वमान हम रोज़ का लेते हैं, वो वाइब्रेशन सिर्फ अपने अंदर नहीं पूरी सृष्टि को देंगे। छोटी छोटी विधि है, सिंपल सिंपल तरीके हैं, परमात्मा हमारे लिए सब कुछ बहुत सिंपल करते हैं और इसीलिए उसको सहज राजयोग कहा जाता है। और उस सहज राजयोग से इस कलयुग की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और इतनी ठीक होती है कि कलयुग ही बदलकर सत्युग बन जाता है। ये है परमात्मा की हम सबको गिफ्ट, सहज राजयोग।